Okay, so hey guys, what's up everybody, welcome back to the channel. This side Aaron and I hope all of you are doing absolutely fine. So today is a new day, a new vlog, and I'll be starting this vlog. So finally काफी time बाद एक vlog मैं बना रहा हूँ, content based vlogs जैसे कि मैंने पहले भी कहा था होने वाले हैं. And आज हम लोग full एक जाने वाले mall road पे. And कैसे जाने वाले, हम वॉक करके जाने वाले हैं यहाँ से मॉल रोड. थोड़ा सा दूर रहेगा बट स्टिल इट विल बी अ गुड वॉक. एंड देखते हैं कैसा व्यू रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो वॉक्स हैं तुम लोग अच्छे से इजीली कर सकते हो. काफ़ी अच्छी रोड्स तो नहीं कहूँगा बट हाँ, अच्छी खासी जगह है जहाँ पे तुम वॉक करके अच्छे व्यूज़ में जा सकते हो. सो वहाँ जाएंगे. एंड मैंने अभी तक तुम लोग को अपने सेटअप का टूर नहीं दिया है. सब जल्दी से जो मैंने यहाँ सेटअप किया है उसका टूर दे देता हूँ. एंड दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ या एडिटिंग कर रहा हूँ. ओके, सो ये हमारा हॉल है. ऐसा कुछ यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे तुम नीचे बैठ सकते हो. इधर सोफाज हैं एंड उधर एक तंदूर है जो काइंड ऑफ अ हीटर जैसे वर्क करता है. इधर हमारा डाइनिंग टेबल है. बट मेनली मैं तुम लोग को अपना सेटअप दिखाने वाला था. पहले सेटअप मेरा इधर हुआ करता था, 1 वीक अगो हमने इधर शिफ्ट कर लिया है. सो ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप है. रिंग लाइट मेरी इधर है, गोप्रो यू कैन सी द फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, पीसी मैंने एक मॉनिटर के पीछे रख दिया है. एंड फुल लुक तुम लोग देख सकते हो, मैं वाइड एंगल में कर देता हूँ. मैंने सैम्पल के लिए स्ट्रीम भी प्ले कर दिए तो तुम देख सकते हो. यहाँ पे मेरा नया कीबोर्ड जो मैंने रेड गियर का यहीं पर ऑर्डर किया था, मैकेनिकल कीबोर्ड, बाकी सब पेरिफेरल सेम है ऑलमोस्ट. एंड ऐसा कुछ सेटअप है मेरा. सो यू गेट अ गुड व्यू फ्रॉम हियर एज वेल. एंड यहाँ पे तुम लोग इजीली स्ट्रीम कर सकते हो या फिर कोई भी कंटेंट बनाना हो बना सकते हो. सो ये जो पीक तुम देख रहे हो, इस पे पूरे पे बर्फ़ पड़ गई थी 2 हफ्ते पहले, बट 2 हफ्ते से कोई भी बारिश नहीं हुई तो धूप में ये पूरी बर्फ़ चली गई. यहाँ पे उधर के पीक्स देख सकते हो अभी भी. एंड जो तुम अभी देख रहे हो दैट इज़ रोहतांग. सो दिस इज़ रोहतांग एंड ये वाली सारी रेंज रोहतांग की है. बट इस पे पूरे पे बर्फ़ थी बट ये सब चली गई है, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि ठंड नहीं पड़ रही यार अभी तो. धूप है एकदम मस्त वाली, बट अच्छा वेदर है, तुम वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो बाहर. एंड इतना भी तुमको ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है. टू गाइस शूज़ पहनते हैं, बाहर चलते हैं. एंड इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो 8 किलोमीटर्स इन टोटल इफ वी कम बैक व्हाइल वॉकिंग. सो चलते हैं बाहर, मिलता हूँ सीधा तुम लोग को. ओके, सो तुम लोग को नीचे आवाज़ आ रही होगी. यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रीम काइंड ऑफ थिंग है जहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है. सो ये रास्ता बहुत क्रेजी है, इसके लिए अलग व्लॉग बनाएंगे. एंड हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग इसी के बारे में हो. ये रास्ता जो नीचे आ रहा है पूरा जाएगा कम से कम 2 किलोमीटर्स के आसपास है. एंड इसके लिए सेपरेट व्लॉग बनाएंगे, बट अभी फ़िलहाल हमको सीधा जाना है. सो अभी तो 5 किलोमीटर रोड पर ही जाना है, देखते हैं. ओके गाइस, सो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं. वी ऑलमोस्ट बीन वॉकिंग फॉर लाइक 15-20 मिनट्स. एंड डिस्टेंस एग्जैक्टली तो मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ, बट धूप है अच्छी खासी तो तुम वॉक कर सकते हो इजीली. एंड अभी भूख भी लग रही है अच्छी खासी, तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे. एंड तुम लोग मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, एंड दिस इज़ द 360 व्यू. सो यस, ऑल फन, ऑल गुड. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ ब्रिज. नीचे इसके एक लेक काइंड ऑफ थिंग बहनी चाहिए बट उसमें पानी नहीं है. सो ऑल गुड, वॉक करने का अलग मज़ा है इधर. एंड अगर वॉक करके ट्रैवल करोगे तो तुम व्यू को और टाइम के लिए इंजॉय कर सकते हो. सो इट्स प्लस पॉइंट प्लस. मिलते हैं अभी थोड़ा सा आगे. सो फाइनली हम लोग मॉल रोड पहुंच गए हैं और किलोमीटर्स 4.5 के आसपास हो गए हैं. बस ये ब्रिज से हम लोगों को टर्न लेके इधर ऊपर जाना है. इस साइड पे मॉल रोड है एंड नीचे तुम लोग देख सकते हो मस्त रिवर बह रही है और ये वाटर की साउंड, फ्लोइंग वाटर की, इट्स अमेजिंग. एंड थक गए काफ़ी, इंक्लाइंड वो थी वॉक, बट वापस ज़्यादा आसान होएगा. बट अच्छे खासे स्टेप्स हो गए आज और मज़ा आया ठीक ठाक. लेकिन अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, खाना खाते हैं. दिखाता हूँ तुम लोग को मॉल रोड कैसा है. ओके, सो ये मनाली का ओल्डेस्ट ब्रिज है जो कनेक्ट होता है, बट आगे रोहतांग के उधर एक और ब्रिज है जो बड़ा वाला ब्रिज है. सो यस, दिस रिवर गोज टू कुल्लू एंड उस साइड पे रोहतांग है. सो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, बट शोर काफ़ी ज़्यादा है गाड़ियों का. सो
माय गॉड, ये ब्रिज हिलता है एक्चुअली में। एंड सही है गाइस, काफी अच्छा है। सामने मॉल रोड है, चलते हैं भाई, देखते हैं। सो वी आर फाइनली इन मॉल रोड। तुम लोग देख सकते हो, दिस इज द मॉल रोड। एंड यस, भीड़ नहीं है, इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं है आजकल, बट स्टिल है भाई, सब है इधर। लंच के लिए देख रहे, पहले बहुत भूख लग रही है, फिर तुम लोग को अगर कोई शॉप वॉप पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट दिस इज द मॉल रोड, दिस एक्चुअली द मॉल रोड। एंड ये शायद मेन वो है, इससे एक पीछे मार्केट और है, बट ऐसा ही कुछ है भाई। एंड गर्मी इधर क्रेजी गर्मी है गाइस, थोड़ा सा अजीब लगता है व्लॉग करना पब्लिक में, बट कोई बात नहीं, चलता है अभी, अपने को ठीक ठीक आदत हो गई है। सो जस्ट यू कैन ऑल सी, खैर मैं नहीं मास्क पहनू वो ढंग से, तो देखते अभी। ओके सो गाइस, हम लोग अभी फाइनल लंच करने आ गए हैं, एंड दिस इज अ प्लेस कॉल्ड खाइबर। ये एक फर्स्ट फ्लोर काइंड ऑफ है, तो यहाँ से तुम लोग को मॉल रोड दिख रहा होगा सारा नीचे की साइड पे। सो लंच करते हैं, अभी ऑर्डर किया है, आने में हम लोग का एटलीस्ट 10-15 मिनट्स हो गए, तक आया नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर देखते हैं क्या है। सो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अगर जब आएगा अपना लंच। ओके सो आवर चिकन स्टिक सिज़लर विद फ्राइज इज हियर, एंड उधर वेज वाला है। अभी जस्ट हम लोग ने चिकन स्टिक कबाब खाना फिनिश किया है, इट्स लुकिंग वेरी डिलीशियस। जब खाते मैं बताता हूँ कैसा था, और यस विल ईट इट फास्ट। ये पूरी स्प्राइट में पी गया खाना आने से पहले ही, तो अभी देखते हैं। ओके सो मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट है खाइबर, तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ने अभी लंच कर लिया है। अभी हम लोग ने लंच करने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर दी, तो वो हुडी पिक करके सॉफ्टी माने आइसक्रीम खा के चले गए वापस। एंड ठीक था, फन था, इट्स काइंड ऑफ एन ओपन मॉल, लोकल मार्केट है, बट सही है, आगे अच्छी प्लेस है, तो इट कैन बी गुड। लेट्स सी, अभी सॉफ्टी खाते हैं, फिर मिलता हूँ तुम्हें। आई होप तुम लोग को मज़ा आ रहा हो, खाना खा के तो बहुत मज़ा आ गया मेरे को, सही में बहुत क्रेजी था। तो यस, तो ये सॉफ्टी है चॉकलेट, और मैं ये पहली बार खा रहा हूँ, शायद मैंने आज तक खाई नहीं है, देखते हैं अभी टेस्ट करके कैसी रहती है। बट आइसक्रीम जैसी है, बट ये थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा है इसमें, सो देखते खा के। ठीक सॉफ्टी थी यार, इतनी भी कोई ग्रेट नहीं लगी मेरे को, मेरे को लगा थोड़ी और चॉकलेटी फ्लेवर होगा, बट नॉर्मल सी है, इट्स नॉर्मल। तो ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये एक छोटी सी मार्केट है पैरेलल टू द मॉल रोड, ये भी एक छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकता इधर, अजीब लगता है बहुत ही, बट सही है गाइस। सो दिस वाज द मॉल रोड, अभी नीचे उतर के शूट करते हैं यार, इधर बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है ये।